केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जन आशीर्वाद यात्रा के दूसरे चरण में रायसेन पहुंचे। रायसेन के दीवानगंज में पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश किरार ने केंद्रीय मंत्री को राम दरबार का प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी भी मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछड़ा वर्ग के 27 सांसदों को अपने मंत्रिमंडल में जगह दी है और देश में पिछड़ा वर्ग और ST वर्ग के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। केंद्र सरकार की इन योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि विपक्ष की मानसिकता ठीक नहीं है और विपक्ष ने संसद का मानसून सत्र भी नहीं चलने दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार गरीबों के उत्थान के लिए बेहतर काम कर रही है। जो नए मंत्री बने हैं वो नए मंत्री अपने अपने प्रदेशों के और सभी को 5-5, 6-6 लोकसभा में जाकर जनता के बीच में जाकर जहाँ एक और इस जनाशीर्वाद यात्रा के बारे में लोगों के बीच में जानकारी रखा है, वहीं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के माध्यम से जो रोडमैप तैयार किया जा रहा है इसके द्वारा रोडों का, रेलवे का और औद्योगिकरण के क्षेत्र में जो है ना 100 लाख करोड़ का बजट के प्रावधान से एक रोड मैप तैयार हो रहा है जो आने वाले दिनों में भारत के विकास का बहुत बड़ा बदलाव जो है ना दृश्य हमको देखने के लिए मिलेगा। लाखों की संख्या में हम इसमें रोजगार भी लोगों को मिलेगा। सभी लोगों ने हृदय से उनका स्वागत किया है और जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अनुसूचित जाति वर्ग के ऐसे कर्मठ नेता जो अनेकों बार सांसद रहे हैं उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान दिया। अभी यात्रा आदरणीय सिंधिया जी की आपने देखा कि देवास में, शाहजहाँपुर में, इंदौर में और खरगोन में थी और आदरणीय वीरेंद्र जी की यात्रा ग्वालियर, भोपाल और आज यहाँ से निकली है और आगे भी वो जिलों में जाएंगे। तो सब जगह एक भरपूर समर्थन और जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को और केंद्रीय नेतृत्व को आदरणीय मोदी जी को उनके मंत्रिमंडल के साथियों को मिल रहा है।